दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। हम अपने पी वाई क्यू सीरीज़ में अब इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये पहला लेक्चर होगा, 91 से 2000 के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक बाय क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ देखेंगे, क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती आउटसाइड इकोनॉमी से, ना ही आपका इम्पोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है। पर आज के टाइम में क्या है भाई, आज के टाइम में कोई भी ऐसा देश नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो क्लोज इकोनॉमी हो। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपके ऑप्शंस हैं लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए भाई, जो छोटी इंडस्ट्री होती है उसमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि और जो इन्होंने लिखा है, शॉर्टेज ऑफ पावर, लेबर प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, मैनेजेरियल स्केल, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग, ये सारी प्रॉब्लम स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वर पार्ट ऑफ द विच प्लान। ठीक है, किस प्लान में ये डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है हमारा इसका पार्ट था? तो ऑप्शन है सेकंड फाइव ईयर प्लान। सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 से 61 था। आपको ध्यान होगा कि 1951 से प्लानिंग कमीशन जो था वो प्लान डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो सेकंड प्लान जो था 1956 से 61 पे था। पीसी मेलनोविस ये प्रोफेसर थे जिन्होंने जो इसके सूत्रधार थे सेकंड प्लान के, इनका जो मेन फोकस था यहाँ पे जैसे मेंशन है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। तो आगे आपको ये तैयार कर लेना ठीक होगा कि कौन से प्लान का मेन थीम क्या था, क्योंकि खैर अब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया है तो लाइकलीहुड ऐसे क्वेश्चंस आने की कम है। लेकिन फिर भी ये जो बेसिक थीम्स हैं हर प्लान की वो आप याद कर लें तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द टैक्सेस गिवन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। तो भाई पहले तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक इंडिविजुअल पे लगाया जाए और वही इंडिविजुअल उसको पे करे। तो इसमें देखेंगे जैसे इनकम टैक्स है, आप जो कमा रहे हैं और आप ही से वो इनकम पे आपके टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ होगा ए। इसके अगेंस्ट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं कि लगते तो सेलर पे हैं, सेलर लेकिन उनको पास ऑन कर देता है बायर पे। तो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जीएसटी वगैरह लग रही है, ये बेसिकली लगी तो आपके दुकानदार पे, बट वो आपको जो है पास ऑन कर देता है और आपको वो पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन इज। मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिवैल्यूएशन और आज के डेट में जो कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये दो टर्म हैं जिन पे कॉन्सेप्चुअली इनको समझ लीजिए। ये ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हाँ, डिवैल्यूएशन मीन्स देयर इज़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंपैरिजन टू गोल्ड। तो क्योंकि ये क्वेश्चन 91 का है तो यहाँ उस टाइम पे गोल्ड पेग्ड था सब कुछ, कि गोल्ड से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इसलिए गोल्ड है। आज की डेट में वही अपनी फॉरेन करेंसीज हो गई हैं, जैसे डॉलर हो गया या ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, और करेंसीज हैं, तो इसलिए यहाँ अब जो है गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड की जगह फॉरेन करेंसी होगा। अब डिवैल्यूएशन से होता क्या है, अब आप इसको ऐसे समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझने की एक बार देख लेते हैं कि आज की डेट में मान लीजिए एक डॉलर है, ठीक है, एक डॉलर 80 रुपये के बराबर होगा। कल की डेट में अगर यही एक डॉलर जो है 100 रुपये का हो गया, ठीक, अब जो बाहर वाला आदमी है वो डॉलर लेके आ रहा है, तो डॉलर लाया, पहले उसको 80 रुपये मिलते थे और उस 80 रुपये में वो सामान खरीदता था, अब जो है उसको 100 रुपये मिलेंगे तो 100 रुपये में वो ज़्यादा सामान खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए ये जो पॉइंट्स लिखे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट्स जो है सस्ते हो जाते हैं फॉरेन कस्टमर के लिए, जो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर उनके लिए सस्ते होते हैं लेकिन हमारे लिए इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं, कि हम 80 रुपये दे के एक डॉलर ले लेते थे, अब 100 रुपये दे के देने पड़ेंगे, एक डॉलर लेने पड़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन आ जाता है। क्यों इन्फ्लेशन आ जाता है? हाई ग्रोथ और इंक्रीज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें होती। अभी हम सेकंड पेपर पे आते हैं, 1992 के पेपर पे। इसमें इकोनॉमी का जो पोर्शन है, लेट्स चेक
दैट उसमें किस तरीके के क्वेश्चन थे देख लिया जाए। तो इकोनॉमी में इसमें पहला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड टू किससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ फ्लड, मिल्क सप्लाई, फिश प्रोडक्शन, फ्रेश वाटर सप्लाई। तो यहाँ जवाब है मिल्क, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड टू इज रिलेटेड टू मिल्क सप्लाई। अब ये ऑपरेशन फ्लड किसने लॉन्च किया था, आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970s में लॉन्च किया था, वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ये ऑपरेशन था जिसकी वजह से आज की डेट में हम वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर हो गए हैं रीसेंट टाइम में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लेवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लगाता है। तो इसमें जो आंसर है एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स फॉल्स जो ये स्टेट लिस्ट में फॉल करता है। इवन अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट ऑफिसर भी होते हैं। तो ये जो है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो इसका जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ट्रूली एसोसिएटेड विद अ लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो इसमें जो आंसर है वो है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द फार्मर्स, लॉन्ग टर्म लोन फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके। ये हायरार्की है इनकी कि भाई सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, नीचे प्राइमरी लेवल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। तो ये CLDB जो होते हैं इनको लोन देते हैं, फिनेंस करते हैं ताकि ये आगे लैंड डेवलपमेंट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला इट इशूज ऑल टाइप ऑफ करेंसी नोट्स, इट वर्क्स एज अ ब्रांच बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हाँ कहिए इंडियन गवर्नमेंट का सब कुछ इनके थ्रू होता है, बैंक ऑफ बैंक्स मतलब जो नीचे बैंक्स हैं ऑफकोर्स इनको रेगुलेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो RBI का ये भी फंक्शन है, एंड इट एक्सचेंजेस फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब इसमें आंसर अपना ये है, ये क्यों है, क्योंकि ऑल टाइप्स लिखा है, ऑल टाइप्स इसलिए नहीं हो सकता कि जो 1 रुपी नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको मेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंट करती है। अगर आपके पास 1 रुपी नोट हो तो आप देखेंगे उस पर साइन जो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, अनलाइक बाकी नोट जिसपे गवर्नर ऑफ RBI के होते हैं। RBI के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि ये RBI जो इस्टेब्लिश हुआ है 1935, देखिए इस्टेब्लिश 1935 में हुआ है लेकिन एक्ट जो है वो 1934 का है, और ये क्या करता है, मॉनिटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया जो है उसको रेगुलेट करता है। बाकी ये की फंक्शन जैसे हम ऊपर देख चुके हैं ये RBI के फंक्शंस हैं। अब आ जाते हैं 1993 के पेपर पे, विच ऑफ द स्टेट हैज़ मिनिमम पर कैपिटा इनकम, मिनिमम तो ये पर कैपिटा इनकम पे 91 to 2000 वाले डिकेड में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो आज की भी डेट में ये आप डेटा ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम किन की है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं बिहार, MP, उड़ीसा, UP। तो यहाँ बिहार जो है, बिहार की जो है सबसे कम है, मिनिमम पर कैपिटा इनकम है। ये रिपोर्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालते हैं, तो अगर ये भी डेटा पूछ लिया जाए कि कौन निकालता है पर कैपिटा इनकम पे डेटा, तो वो ये निकालते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है कि गोवा जो है, गोवा हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम गोवा में, फॉलोड बाय दिल्ली एंड सिक्किम। तो देखिए ये मतलब सभी थोड़े स्मॉल स्टेट हैं, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आंसर करते टाइम ऐसे क्वेश्चन को, एक तो इनकम यानी डेवलपमेंट का स्टेट क्या होगा और दूसरा पॉपुलेशन। तो ये दोनों मिला के ये पर कैपिटा इनकम डिफाइन होगी, ठीक है। तो 2018-19 में भी बिहार हैज़ द लोएस्ट NSDP, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन डेफिसिट फाइनेंसिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इज कवर्ड बाई प्रिंटिंग न्यू नोट्स, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इफ इट इज़ अनसक्सेसफुल देन द कंडीशन अराइज इज नोन एज। अब भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो सरकार उसको एड्रेस कैसे करती है, सरकार और नोट छाप लेती है, ये वन ऑफ द ऑप्शंस होते हैं। अब उससे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम उससे जो होता है वो करेंसी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि आपने पैसे की सप्लाई जो है, मनी सप्लाई तो बढ़ा दी लेकिन जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर जो भी खरीदना है उनकी सप्लाई तो उतनी है, स्टैग्नेंट ही है, बराबर है, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया। अब यही सामान खरीदने के लिए वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, तो उससे क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन होगा, तो करेंसी डिराइव्ड इन्फ्लेशन होगा।
बाकी जो चीज़ें हैं, करेंसी कॉन्ट्रैक्शन, करेंसी डिवेल्यूएशन, हमने देखा लास्ट पेपर में कि डिवेल्यूएशन ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। डिमोनेटाइजेशन आप 2015-16 देख ही चुके हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो होगा करेंसी इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स हम बात कर चुके हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सेलर पे लगता है बट वो बायर को पास ऑन कर देता है, हेंस उसको बायर पे करता है। तो इसमें भाई इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक। एक्सपेंडिचर टैक्स आप खर्चा करते हैं उस पर होता है। सेल्स टैक्स ये आपका आंसर है, ठीक है, कि सेल्स टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए फिर दोबारा सेम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स हम देख ही चुके हैं कि हाँ भाई पहले ही सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स नहीं होता। टोल टैक्स आपको याद है भाई, आप गाड़ी जब जा रहे होंगे तो आप ही पे करते हैं, वहाँ पे आप ही से लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन विच दे आर इम्पोज, उसका प्राइस वो बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर 301 इज रिलेटेड विथ वॉट? ठीक है, तो ये मोर और लेस करंट का सवाल है। इकोनॉमी के साथ ये है कि स्टैटिक के साथ साथ करंट के काफ़ी पोर्शन होते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, करंट पे भी इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रीटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ह्यूमन राइट ऑब्स्टेकल इन फ्री ट्रेड। तो हमारा आंसर है डी, ऑब्स्टेकल इन फ्री ट्रेड। ये देख लीजिए कि सुपर 301 पार्ट था अमेरिकन ऑमनीबस ट्रेड एंड कॉम्पिटेटिवनेस एक्ट जो 1988 में पास हुआ था। ये इट इज़ एन अफ्रंट टू द गैट एंड इट्स रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अब हम आते हैं 94 के पेपर पे। तो 1994 ये पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजी अडॉप्टेड अंडर IRDP इन द सेवन प्लान वॉज क्या था, मतलब किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा था। टोटल हाउस होल्ड अप्रोच, विलेज अप्रोच, ब्लॉक अप्रोच, डिस्ट्रिक्ट अप्रोच, किस चीज़ पे IRDP वॉज फोकसिंग? तो यहाँ देखिए IRDP स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कब शुरू हुआ था ये? 2 अक्टूबर 1980। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है आज की डेट में ये भी पूछ लिया जाए कि कब स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग सेवन फाइव ईयर प्लान ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो मेन फंडा था, जो फोकस था, वो था टोटल हाउस होल्ड अप्रोच। बिल्कुल हाउस होल्ड अप्रोच पे जाके ये बात कर रहा था डेवलपमेंट की। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे लास्ट पेपर में हमने क्वेश्चन था कि मिनिमम पर कैपिटा इनकम, यहाँ पूछ रहा है आपका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो गोवा, गोवा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। 2019 का डेटा देखें तो 4,67,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है ये। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है मैच द फॉलोइंग कि प्लान और उस प्लान का मेन थीम या प्रोग्राम क्या था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए ये डी डी। तो देख लेते हैं ये क्या है। ए फर्स्ट प्लान जो है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के पे फोकस था। सेकेंड प्लान अपना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, ये हमने देखा भी था PCMEL नोबेस वाला। ठीक है, थर्ड प्लान जो था एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। फोर्थ प्लान अचीवमेंट सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। फिफ्थ प्लान मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये याद आप या अभी भी याद रख लेंगे कि जो सारे प्लान्स थे उनका जो मेन थीम जो था वो क्या था, हो सकता है कि अभी भी पूछ लिया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे था? तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था हमारे यहाँ वीट पे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को देख लेते हैं, 1960 में अपने यहाँ आया था MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक निकल के आया था वो आया था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इन नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है, इनके एफर्ट्स थे जिसको फिर बाद में यहाँ इंडिया में MS स्वामीनाथन साहब ने रिप्लेस रेप्लीकेट किया, MS स्वामीनाथन साहब ने। ठीक, जिससे वीट का प्रोडक्शन 55 मिलियन टन जो है वो बढ़ गया था। अगेन देखिए वही क्वेश्चन, द डीवेल्युएशन इज, हम पहले भी देख चुके हैं डीवेल्युएशन क्या है। तो डीवेल्युएशन रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी कंपेयर टू एनी गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इट कैन बी एक्सचेंज्ड विथ। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सिमिलर सिमिलर लेवल पे है डेप्रिसिएशन भी, बस ये है कि ये मार्केट इकोनॉमी में होता है डेप्रिसिएशन, जहाँ पे अपने आप ही जैसे आज की डेट में इंडिया का कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ना सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन में आप ऊपर में से आपने पहले दो या पहले तीन ऑप्शन पढ़े और उसी में से कोई टिक कर दिया,
तो दिस इज़ वन ऑफ द केसेस वेयर यू नीड टू रीड ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस. सभी क्वेश्चंस में करने हैं इसको, आपको प्रैक्टिस बना लेनी है कि भाई किसी भी हाल में ऑप्शन छोड़ना नहीं है. ठीक है, कई बार गलती हो जाती है तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आंसर करना है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं अपने यहाँ रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ये देखिएगा रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नॉट सिटीजन ऑफ अ कंट्री. ठीक है, रेसिडेंट मतलब अब भाई जो जो भी यहाँ रह रहा है, बाहर से कोई आके रह रहा है, वो भी तो भेजेगा ना पैसा. तो उसके बीच में और बाहर दुनिया के बीच में जो भी अपना आदान प्रदान हो रहा है, उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड जो होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके तीन कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. आते हैं अगले पेपर पे, 1995 का पेपर है ये. इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड एज, इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखा जाता है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, अंडर डेवलप इकोनॉमी है. तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई हम जो हैं डेवलपिंग इकोनॉमी है. और कुछ इसके फीचर्स क्या होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के, कि लो पर कैपिटा इनकम है, हायर पॉपुलेशन जो है BPL के, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है. मतलब जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसके बाबत जो कैपिटल आप बना पा रहे हैं उसका रेट जो है काफ़ी कम है. तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग 8th प्लान GDP इज टारगेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट पर एनम. तो अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, बट अब ऐसे क्वेश्चंस आना मुश्किल है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, तो आंसर आप देख लीजिए, आंसर है ग्रोथ रेट क्या था, टारगेट क्या था, 5.6%. ठीक है, ऑल्दो अचीव हमने ज़्यादा कर लिया था. हाँ, ये प्लान कब से कब था, 92 से मार्च 97, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद पहला जो प्लान अपना हुआ था दैट वाज 8th प्लान, 8th 5-year प्लान. नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई कौन, भाई हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है. ठीक है, तो ऑप्शन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. हमने लास्ट पेपर में भी देखा था कि पर कैपिटा इनकम वगैरह जो कैलकुलेट करता है वो यही डिपार्टमेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये आप अगेन ध्यान रखेंगे. ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में बांट देते हैं, एंड डिफरेंट मेथड्स हैं GDP वगैरह नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. तो डिपेंडिंग ऑन सेक्टर ये तय करते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाना है. NAFED इज कनेक्टेड विथ, NAFED क्या है पहले तो ये देख लिया जाए, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये भी देखिए आप 2 अक्टूबर 1958 में आया था. ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है. प्रमोट करता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ताकि फार्मर्स को फायदा हो सके. अगला क्वेश्चन है, रीसेंट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव बीन अंडरटेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाई. अब भाई 1995 का पेपर है तो ये रीसेंट उसी के हिसाब से हुआ, तो मोर ये करंट का सवाल हो जाता है, बट फिर भी देख लेते हैं. तो उस टाइम एम नरसिम्हन कमेटी आई थी. ठीक है, तो उनके कुछ रिकमेंडेशन हुए थे टैक्स रिफॉर्म्स में जो इन्होंने लागू किए थे. अब आज की डेट में भी लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, 2019 जो है ये लेटेस्ट है, अखिलेश रंजन कमेटी टैक्स रिफॉर्म पे ये आई थी, और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाए डायरेक्ट टैक्स कोड से. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इनमें से कोई नाम पूछ ले, या मान लीजिए जैसे पंचायती राज के ही क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3-4 नाम, इन्हीं में से किसी का नाम देके कमेटी का पूछ ले कि इनमें से कौन है कौन नहीं है. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई एम नरसिम्हन जो है टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थे, अखिलेश रंजन साहब जो हैं ये अपने टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड हैं. लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई लार्जेस्ट सोर्स क्या है. तो देखिए भाई उस टाइम पे तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, ये हुआ करता था. तो ये आप देखेंगे ये आंसर उस टाइम के हिसाब से ये सही है, बट आज के हिसाब से ये नहीं है. आज के हिसाब से आप देखेंगे इनकम टैक्स हो गया और GST हो गया, ये अपना टैक्स रेवेन्यू का मेजर पार्ट है. तो आप आज के हिसाब से इस चीज़ को याद कर लेंगे. इंडियन रुपी हैज़ बीन मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन, ठीक है, तो इसका जवाब है इंडियन रुपी
हैड बीन फुली कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट इन ऑगस्ट 1994। दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट पे अभी भी पार्शियली कन्वर्टेबल है, पार्शियली कन्वर्टेबल है। कहने का मतलब है ये कि आप सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते। करेंट अकाउंट में ऐसा हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट में ऐसा अभी भी नहीं है। ये अगर कर भी देते हैं तो वोलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट लेके आया, जो FII FPI सब बात करते हैं, सारा का सारा वो पैसा एक साथ ले जाएं, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डो नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू बायर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे एक तरीके से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, जो कौन सा है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि जो इसने डेफिनेशन दी है वो इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ऑफ कोर्स आंसर इज इनकम टैक्स। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। अब भाई इन्फ्लेशन की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है डेटर्स को होता है, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा सा आप इस टर्म में समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो अगर आज मैंने डेट लिया है, ठीक है, 100 रुपये का डेट लिया है, आज 100 रुपये में मैं मान लीजिए 1 किलो प्याज खरीद सकता हूँ, कल वही महंगा हो गया, ठीक है, मेरे को वही वापस करना है, कल प्याज का दाम मान लीजिए 110 रुपये है, ठीक। तो मेरे लिए तो वो फ़ायदा ही है ना कि मेरे को उतना ही पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यह है कि डेटर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन्फ्लेशन में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द रीज़न फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू PDS सिस्टम इज टू अलाउ फार्मर टू रिसीव रेमुनरेटिव prices, टू कंट्रोल कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन, lessen द बर्डन ऑफ सब्सिडी involved इन स्कीम, earn प्रॉफिट आउट ऑफ स्कीम। तो आंसर हमारा ये है, ठीक है। टू लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। तो अगेन अभी ये रीसेंट ईयर्स इनका 1995 का है, ठीक है, तो आप आज के हिसाब से देखेंगे तो उस टाइम पे भाई जवाब था ये कैपिटल गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आप आज की डेट में देखेंगे टू लार्जेस्ट, 2020 का ये डेटा है, टू लार्जेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट क्या है? क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है, एंड गोल्ड। चलिए अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 1996 का क्वेश्चन है। द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वॉज अडॉप्टेड अंडर, कौन से प्लान के अंडर ग्रोथ सेंटर अप्रोच अडॉप्ट हुआ था? तो आंसर है फोर्थ फाइव ईयर प्लान। फोर्थ फाइव ईयर प्लान आपका 1969 से 1974 में था, इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में था। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे मेन, एक तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ पाना और सेल्फ रिलायंस जो है प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके सेल्फ रिलायंस अचीव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया। तो आंसर इसका है चौधरी चरण सिंह। इनको अभी रिसेंटली भारत रत्न भी मिला है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए, कंट्रोलिंग द डिमांड, अब डिमांड अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हाँ भाई इन्फ्लेशन पे असर होगा, ठीक है। मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे तो उससे भी होगा। राशनिंग ऑफ कमोडिटीज अगर ये करेंगे, इसमें भी मतलब आप सप्लाई को कंट्रोल करें, इससे भी होगा। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करते हैं तो मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, तो भाई आप इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आंसर है अपना सी। अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन, आज की डेट में आप शेयर मार्केट वगैरह काफ़ी है सुन रहे होंगे, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, तो उसमें एक टर्म आती है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है किस चीज़, कंपनी किस चीज़ पे डिक्लेयर करती है? इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें है कि एक कंपनी जो है अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, मतलब जो लोगों ने खरीद रखा है उस पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेन रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया। तो इसका जवाब है भाई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, एक्ट है, तो मतलब ये स्टैटूटरी बॉडी है जो ये कंट्रोल करती है। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी थी सेबी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेशनलाइज 14 बैंक्स इन द कंट्री इन, ठीक है, इसका जवाब है 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, ठीक है।
अपना विद द गोल्स ऑफ सोशलिज्म ये लिखा हुआ है, अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इसके इसके उसमें किया था, रिलेवेंस में किया था, इसके पैरेलल ही किया था, ठीक है। तो जुलाई 1969 आपका आंसर है यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अगेन ये उस टाइम का करंट डेटा है, तो आप अपडेटेड होने चाहिए आज के डेटा से। उस टाइम के हिसाब से आंसर है रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी। यहाँ पे आप ये भी दिया है 2019-20 का डेटा है आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थे वो बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग आइटम है इंडिया से, अराउंड 14% एक्सपोर्ट बास्केट का ये। आगे आते हैं, 1997 का ये पेपर है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन रीसेंट टाइम द ग्रोथ इन द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन वेरी स्लगिश इन इंडिया, ठीक। एंड दूसरा सवाल है कि देर हैज़ बिन रीअसेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है ए, कि हाँ भाई रीसेंट टाइम में जो है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है स्लगिश रही है, एंड इसका एक रीज़न रहा है रीअसेसमेंट ऑफ रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप ये देखिए 1991 के बाद की बात है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद की बात है। तो न्यू इकोनॉमिक के पॉलिसी के बाद प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जानी शुरू की गई थी। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटली देर इज़ नो क्लियर पिक्चर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक, कि कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। एंड देर हैव बिन मेजर शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर डी है भाई, ये तो आइडिया है ही कि हाँ भाई कितनी पॉवर्टी है, बिल्कुल था उस टाइम पे भी था। एंड हाँ, उसको पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे है डी। फिर असर्शन रीजनिंग का इस क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी हैज़ मूव टू अ हायर एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट इन द लास्ट 15 ईयर्स, द सेविंग रेशियो हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन दिस पीरियड। तो इसका भी आंसर ए है, ठीक है। अब इसको भी देखिए 1991 के हिसाब से देखिए, तो ये तो लाजमी होता है कि ओपन भाई इकोनॉमी आपकी ओपन हुई तो जीडीपी बढ़ने का सिनेरियो है, ठीक है। एंड सेविंग रेशियो भी उस टाइम पे बढ़ा, अर्निंग बढ़ी, सेविंग रेशियो बढ़ा, ठीक है। बट सेविंग रेशियो के बारे में एक चीज़ ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो ये बिल्कुल देख लीजिए कि सेविंग रेशियो हैज़ नॉट इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 15 ईयर्स इन 2005, ठीक है। सेविंग रेशियो 32% जो मैक्सिमम हुआ था 2007 में हुआ था, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे ही रहा है। और आज की 2020 का जो डेटा है उसके हिसाब से लगभग लगभग 28% आपका सेविंग रेशियो है। जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया इन द ईयर 95-96, तो ये 95-96 की बात कर रहे हैं, बट आपको ये सजेशन देंगे कि आप आज की डेट का जो करंट डेटा है वो ज़रूर देख लेंगे कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या है, ठीक है, या बजट में अगर मेंशन हुआ है तो उसमें क्या एम किया गया है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट उस टाइम पे आपकी 7.5% थी। अब जीडीपी होता क्या है, ठीक है, जीडीपी है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये सब होना चाहिए, ठीक है, ये है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी आप ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉर 9th 5-year plan, तो इसका आंसर है डी। आप यहाँ ये देख लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है, कि मतलब वैल्यू ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है उसके टर्म्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ठीक है, या अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसको आईकॉर भी बोलते हैं, अगर कभी ऐसे आ जाए, आईकॉर भी एक है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। मीरा सेठ कमेटी, अगेन करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स के लिए मीरा सेठ कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है भाई, ब्लू है वाटर होगा, ठीक है, वाटर है, तो ये जो है फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, मिल्क प्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि वाइट रेवोल्यूशन है, फूड ग्रेन पता ही होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, अब रह गया ऑयल सीड, तो ऑयल सीड के लिए हमारे यहाँ येलो रेवोल्यूशन है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव ऑब्टेन्ड ISO 9001 एंड ISO 9002 सर्टिफिकेशन इन द रिसेंट पास्ट, देर हैज़ बिन कंसिडरेबल लिबरेशन इन द लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कायदे से बातें तो दोनों ठीक हैं, लेकिन ये इसका जो है रीज़न नहीं है, तो आंसर जो है आपका है बी।
कपार्ट इज एसोसिएटेड विथ, लास्ट टाइम आपने एक पेपर में देखा था नाफेड पूछा था, यहाँ पे कपार्ट पूछा है। तो कपार्ट क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये रूरल वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड है, तो यहाँ आपका आंसर हो गया डी, हेल्पिंग एंड इवेल्युएटिंग रूरल वेलफेयर स्कीम। जैन पाटिल कमेटी इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड थी आपके डेवलपमेंट ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एरिया से, अगेन करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 10th फाइनेंस कमीशन ऑफ द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस विल बी, क्या होगी? तो भाई उस टाइम पे 10th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 29% है, आपको ध्यान होगा कि उसके बाद 14th में हो गया था 42% हो गया था, 15th में 41 हो गया था परसेंट, ठीक है। अभी 16th भी आ गया फाइनेंस कमीशन, ठीक है, अरविंद पनगरिया साहब जो अपने ये थे, क्या कहते हैं, सीईसी थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सीईए थे, वो इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, ये हो सकता है आपको ट्रेंड भी पूछ ले कि भाई जो ट्रेंड है, ट्रेंड है फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन का वो क्या है, ठीक है। तो भाई धीरे धीरे बढ़ा था, 14th पे मैक्सिमम हुआ था 42%, फिर 15th पे फिर कम हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल, तो ये इंदिरा विकास पत्र, ये इसका आंसर है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इन 95-96 वॉज 42%, आज की डेट में ये काफ़ी कम हो गया होगा, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए जैसे 2021 में रिस्पेक्टिवली 8% और 3% था एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सेम कैटेगरी, तो आप ये देखिए सेल, भेल, ONGC, ये सब PSUs, SR ऑयल जो है इस कैटेगरी में नहीं है, प्राइवेट एंटिटी है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इस्टेब्लिश इन 1996 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया था, ताकि मेड इन इंडिया जो ब्रांड है ओवरसीज मार्केट में इसकी एक वैल्यू बनाई जा सके। ये 1998 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए असम्पशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंडिया इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन इन द फिस्कल ईयर 97-98 एंड देयर हैज़ बीन अ फॉल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द रीसेंट पास्ट, तो ठीक है आंसर आपका है कि दोनों सही हैं, लेकिन ये रीज़न ये नहीं था, ठीक है, फिस्कल ईयर में कि भाई क्या कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कमी होगी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, सरकार जो खर्चा करती है, तो उसमें ऐसी कोई कमी नहीं हुई थी, ये जो ईस्ट एशियन क्राइसिस के आसपास की बात है, तो उसकी वजह से ये अनवील हुआ था। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ जनरली बिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आंसर है ए, 2% रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, विच 5-year प्लान ऑपरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 92 एंड मार्च 97, ठीक है। अभी मैंने लास्ट जब हमने देखा था क्वेश्चन, तो उसमें एक क्वेश्चन था जहां हमने देखा था कि 8th प्लान वाज़ द फर्स्ट प्लान आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये देखिए पीरियड वही बोल रहा है, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 92-97, तो आंसर आपका है 8th प्लान, ठीक है। फर्स्ट प्लान आपका 1951 में लॉन्च हुआ था सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर, और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद पहला जो प्लान था वो 8th प्लान था। एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट, ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन है 98 का, तो उस टाइम पर 33% था, ठीक है। आज की डेट में ऐसा है नहीं, आज की डेट में मान लीजिए 1920 में देख लीजिए 17.8% का है कंट्रीब्यूशन है। द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ GDP एम्ड एट फॉर द 9th प्लान पर द ड्राफ्ट प्लान इज 7% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, तो UTI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट या UP स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो ये है भाई स्टेट स्पेसिफिक है, बाकी सेंटर इंडिया लेवल पे की बॉडीज हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI, RBI के कंट्रोल में कौन सा है, तो आप जानते हैं भाई रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, तो बैंक इसको रेगुलेट करता है, बाकी जो बॉडीज हैं अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इसके रेगुलेशन में नहीं है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में, देखिए फिर डीवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ गया, तो डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ देखिए जो एक बार बताया गया था आपको कि उस टाइम गोल्ड पे पेक था, बट अब जो है मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज,
ठीक है, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विज़ाविज़ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज, ये आपका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ करंट रिवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है भाई, करंट रिवेन्यूज होंगे, कैपिटल रिवेन्यू जो भी होंगे, तो इनके सोर्सेज इनमें से कौन है, तो आंसर है आपका D1, 3 and 5, दैट इज कॉरपोरेट टैक्स, सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड एक्साइज ड्यूटी। ये भाई कैपिटल हो जाता है, ठीक है, ये भी वही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया इज, तो एक ये कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग है, ठीक, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग है, ये आप देख लेंगे। मॉर्गन स्टैनली हैज़ रेटेड इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स इन 1998 एंड हैज़ प्लेस्ड इट सेकेंड पोजिशन पे, तो करंट का सवाल है, अब ये इसका रेलिवेंस है नहीं। In 1950, India's share in global exports was 1.85%, but today it is, ठीक है, तो अब देखिए लिखा है A से भी 0.6 से 1% वेरी कर रहा है, ठीक है, 2019 का ये डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी हम एक्सपोर्ट में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जितना हमारे गोल्डन टाइम में हम करते थे, तो अभी जो है ये नॉमिनल है बहुत, 1.67% आपका मर्चेंडाइज में है एंड सर्विसेज में 3.5%। They are fantastically diverse. They speak hundreds of languages and dialects. They comprise scores of ethnic groups. They include highly industrialized economies and up and upcoming economies. They span half of the surface of the earth and are home to 2/5 of the world population. तो ये किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ जो बात हो रही है APEC के बारे में हो रही है। APEC क्या है? Asia Pacific Economic Cooperation. ये ट्रेड एग्रीमेंट है 21 कंट्रीज़ का, जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में। अब जैसे इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, ये आप बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ONGC हैज सेंटर्स इन 2 other countries, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ONGC का सेंटर है? तो भाई इजिप्ट और ईरान, दो जगह ONGC का अपना सेंटर है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ कम डाउन इन द लास्ट 3 years। देखिए कुछ ध्यान रखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो रही। द कंट्री हैज़ रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरन कैपिटल ड्यूरिंग दीज ईयर्स, तो आपका आंसर है बी। क्या दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ इन्फ्लेशन से, भाई बाहर वाला मतलब फॉरन कैपिटल आ रहा है उससे इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है ना, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली बिल्कुल है, तो इसलिए आंसर जो होगा यहाँ पर बी। अब आते हैं 1999 के इंडियन इकोनॉमी के अपने क्वेश्चंस पे, इनको भी देख लिया जाए, इसके बाद 2000 का और देखेंगे, फिर बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस साल में इस्टेब्लिश हुई थी? तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1982, ठीक है, इस टाइम में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश हुई है। इसका काम देख लीजिए कि डिटेल स्टडी करना, सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कि क्या मतलब वाटर रिसोर्सेज कैसे डेवलप किए जाए इंडिया में। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट क्या है लार्जेस्ट? तो इंटरेस्ट पेमेंट, आज की भी डेट में ये मैक्सिमम ही है, ठीक है, 20% का हो जाता है। तो ये भी आप बाइफर्केशन देख लेंगे कि जो रेवेन्यू का बाइफर्केशन है कैसे है, एक्सपेंडिचर का कैसे है, ठीक है, इस पे आज की डेट में भी प्रेजेंट डेटा के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सिंस द एडवेंट ऑफ प्लानिंग एरा इन इंडिया, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP हैज़ क्या हुआ है इसमें, ठीक है, तो पहले तो भाई बड़ा था, अब इसको देखिए, प्लानिंग एरा जब 1951 में शुरू हुआ तो हमारा एम क्या था भाई, खाने की कमी थी, ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस लाना था फूड में, तो इसलिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की गई, तो इनिशियली GDP में उसका जो शेयर है वो बढ़ा, बट फिर धीरे धीरे हमको रियलाइज़ हुआ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इस पर भी तवज्जो देनी है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन किया, तो आंसर जो है सी। द एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर 1998 एंड 99 इज, आंसर है डी। अब ये आप करेंट डेटा याद रख लीजिएगा, 24-25 में क्या है, ठीक है। Since the start of planning in India, total number of years not covered by any 5-year plans is, answer is 6. बीच में वो rolling plans वगैरह आ गए थे, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम भाई ये नहीं कर रहे, ठीक है, तो
उसके हिसाब से टोटल जो है 6 साल ऐसे रहे जो कवर नहीं हुए। ये 6 साल मतलब उस टाइम के हिसाब से आप देखेंगे कि 1999 के डेटा के हिसाब से। अब तो खैर ये बढ़ ही गया है, प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, सिंस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर लॉन्च्ड इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं CRR SLR बैंक वाले, ये अपना UPSC में बहुत पूछे जाते हैं, बट यहाँ कम है तो वन ऑफ द क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है डी कि दोनों को ही कम किया गया है। CRR क्या है? ठीक है, ये एक रेशियो है कि टोटल डिपॉजिट जो है बैंक्स के पास उसका जो है कितना परसेंट वो RBI को के पास रखेगा। ठीक है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, कैश में रखा जाता है। ठीक है, SLR क्या है? SLR है कि जो टोटल डिपॉजिट है बैंक के उसका कितना परसेंट वो अपने साथ रखेगा। तो ये जो अपने साथ रखता है ये आप बॉन्ड्स में रख सकता है, गोल्ड में रख सकता है, जैसे रखना चाहे रख सकता है, बट यहाँ ये कैश ही रखेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है बैंक को थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, बट यहाँ कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूरो इन 1999? तो ये है, यूरो उस टाइम पे सर्कुलेशन में नहीं था। ठीक है, 1999 में 11 यूरोपियन कंट्रीज़ ने मतलब साथ आई थी। ठीक है, स्टेज 3 पे पहुंच गई थी इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन बनाने के, बट बाद में फिर यूरो करेंसी बन गई, सर्कुलेशन में आ गई, बट उस टाइम में नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट? तो ये देख लीजिए, सी आंसर है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है, ये तो कैपिटल मार्केट में के आपके हैं ही भाई, ये रेगुलेटर हो गया और ये बाकी बैंक्स हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फ्री ट्रेड जोन? तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। उस टाइम पे तिरुवनंतपुरम में फ्री ट्रेड जोन नहीं हुआ करता था, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम यहाँ था। आते हैं ईयर 2000 के पेपर पे, ये इस लेक्चर में ये लास्ट होगा। गवर्नमेंट इज रिसॉर्टिंग टू डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ये तो करती ही रहती है, बिल्कुल है, बात सही है। क्यों? क्योंकि PSU हैव नॉट जनरेटेड एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है, PSUs ने बिल्कुल वो एनएफ स्किल्ड एंड स्पेसिफिक वर्क फोर्स है उसके अकॉर्डिंग काम किया है। ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो आंसर आपका जो है बी है कि ठीक है दोनों सही हैं, बट आज जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया एट प्रेजेंट इज नियरली, तो 2000 की बात है ना, तो आंसर था सी 70 per 1000, बट आज जो लेटेस्ट डेटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास आ गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। प्रेजेंट फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स हैज टच्ड द रिकॉर्ड ऑफ 1 lakh crores। ठीक है, 1 lakh crore का डेफिसिट हो गया था उस टाइम पर। इंडिया का रिकॉर्डेड फिस्कल डेफिसिट 9.3% ऑफ GDP है 2021 में। एनुअल प्लान फॉर यू उत्तर प्रदेश फॉर द ईयर 2000-2001 हैज़ बीन फिक्स्ड एट 11,400 crore पे, उस टाइम पे था। इकोनॉमिक सर्वे 99-2000 हैज़ प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज 5.1%। तो ये उसी टाइम के देखिए करंट के हिसाब से क्वेश्चन हैं, आज की डेट में ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, बट इससे मतलब सिमिलर अब 2022-23-24-25 का डेटा आपको ध्यान होना चाहिए। एनुअल प्लान ऑफ UP फॉर द ईयर 2000-2001 द फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन पेग्ड एट सी 5.9% उस टाइम पे था। आज की डेट में आप देख लीजिए, आज की डेट में FD UP का फिस्कल डेफिसिट किसने पे पेग्ड है। ठीक है, सिंस 1971 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक इन UP हैज़, ये नॉर्मल सी बात है कि बढ़ेगा, बैंकिंग धीरे धीरे बैंक्स ब्रांचेस खोलेंगे, लोग अपना पैसा डालेंगे तो ये बढ़ेगा। तो आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ UP गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन? अब यहाँ इन्होंने स्पेसिफिक यूपी गवर्नमेंट लिख दिया, यूपी गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट लिख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सा ये नहीं करते हैं। तो भाई कस्टम ड्यूटी जो है नहीं शेयर होती है। ठीक है, अब ये देखिए फाइनेंस कमीशन के जो दिए जाते हैं वो मतलब बजट के द्वारा, तो उसमें एक तो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स होता है और बाकी अदर ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2000 का भी हमने इकोनॉमी के लेक्चर्स देख इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे हम 2001 से 2023 तक सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
आप PYQ जरूर देख के जाइएगा, कई क्वेश्चन होते हैं जिसकी सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई रिपीट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। चलिए फिर आगे मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।